दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे आईपीआर पॉलिसी के बारे में। ये GS3 अपने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके इंडिया आए दिन बवालों में रहता है कि कभी कोई कंट्री हम पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आपने आईपीआर वायलेट कर दिए, कभी कोई कंट्री आप पे इल्ज़ाम लगाती है कि आपने यहाँ पर फार्मास्यूटिकल एक्सेट्रा को लेके आईपीआर को वायलेट किया। तो आईपीआर पॉलिसी ही सरकार ने डिसाइड किया कि हम इसको बदल देंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सी कमेटी बिठाई गई थी जहाँ पे आईपीआर पॉलिसी को रिन्यू करने की बात की गई थी। तो आईपीआर पॉलिसी को जो बदलने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है, तो पहला ये बताया गया कि आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये इनको मार्केटेबल असेट्स बनाया जाए। अगर मैंने कुछ रिसर्च की है तो उस रिसर्च को मार्केट भी किया जा सके, ऐसा कुछ काम किया जाए, ठीक है। एंड देन उसके बाद इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को, कि नए नए बिजनेस बने, एंड एट द सेम टाइम कि सर की जनता का इंटरेस्ट भी ना खराब हो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। देन ट्रिप्स जो WTO का है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको लेके उसके जो लॉज हैं, उसके जो रेगुलेशन हैं, उसको भी कंप्लायंट रहना जरूरी है। तो कुछ ही ऑब्जेक्टिव हैं आगे। अवेयरनेस की IPRs की अवेयरनेस सबको फैलाई जाए, एंड टाइम की पेटेंट देने का टाइम अभी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, इसको लेके भी कहा गया कि टाइम काफ़ी कम किया जाए पेटेंट्स, ताकि इनकरेज होंगे लोग। एंड R&D कैसे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे आप बढ़ा सकते हैं, प्रॉमिसिंग बना सकते हैं टैक्स बेनिफिट्स के थ्रू। तो एक और इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज आप साथ साथ नोट करते रहना। एंड देन स्टार्टअप्स को इनकरेज किया जाए कैसे, बाय लोन गारंटीज, कि हम आपको लोन देंगे और जो कि आप वापस पे कर सकते हैं अगर आपकी स्टार्टअप कुछ इनोवेट करती है। तो आप ये प्लीज पॉइंट दिमाग में रखना, इसको लिख लो कहीं पे, मार्केटेबल एसेट्स बनाना है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिक इंटरेस्ट, ट्रिप्स को कंप्लायंस, अवेयरनेस, टाइम, R&D के लिए टैक्स बेनिफिट, स्टार्टअप्स के लिए लोन गारंटीज। लेकिन अब इसके जो हमारी जो नई पॉलिसी आई उसके फीचर्स क्या क्या निकल के आते हैं, तो वो एम्बिट को ब्रॉडन करती है, ठीक है। एम्बिट्स को ब्रॉडन कैसे करती है कि उसमें फिल्म्स को डाल दिया गया IPR में, म्यूजिक्स को, ड्राइंग्स को, बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, आप इसको ध्यान में रखना क्योंकि बहुत तरह के IPRs एग्जिस्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट 18 महीने से 3 महीने बात की गई है कि पेटेंट देने का, जिसको विद टाइम हमने 1 महीना कर देना है, 1 महीने में पेटेंट मिल जाए। देन डोमेस्टिक IPR के बारे में बात की गई कि डोमेस्टिक जो लोग अगर IPR को या पेटेंट अगर चाहते हैं फाइल करना तो उसको इनकरेज किया जाए, इंटरनेशनल ना जाएं, अपने देश में फाइल करें, क्योंकि टाइम वगैरह रिड्यूस कर दिया जाएगा एंड लॉज वगैरह काफ़ी थोड़े इसको रेगुलेशन को थोड़ा माइल्ड किया जाएगा। एंड देन उसके बाद जो स्टार्टअप्स को लोन सपोर्ट की बात की गई, ऑब्जेक्टिव था वो भी इसमें कुछ फीचर रखा गया है न्यू पॉलिसी में। एंड देन पब्लिक इंटरेस्ट को भी दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं है, जैसे आपको पता है सेक्शन 3D एंड अनकंपल्सरी लाइसेंसिंग, 3D सेक्शन जो अपना IP एक्ट है, जो पेटेंट, इंडियन पेटेंट्स एक्ट, IP एक्ट में सेक्शन 3D एग्जिस्ट करता है, ये है एवरग्रीनिंग को लेके, एंड कंपल्सरी लाइसेंसिंग को लेके भी हमारे पास सेक्शन 84 एग्जिस्ट करता है। इसको नोट करके रखो, पेपर में आपको ऐसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, सेक्शन 84 ऑफ IPA एंड सेक्शन 3D इज अबाउट एवरग्रीनिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का सेक्शन 84 हमने अपने इकोनॉमी के जो डिटेल्ड वीडियोस होते हैं उसमें डिस्कस किए हैं, सब ये क्या बातें होती हैं। एंड ये सिंस मेंस रिलेटेड वीडियो है, इसको मैं थोड़ा रैपिडली चलाऊंगा। तो एंड देन पॉलिसी को रिन्यू करना है हर 5 साल में, क्योंकि रैपिडली जो सोसाइटी, जो बहुत ही रैपिडली बढ़ रहा है सबको सोसाइटी में, इनोवेशन बहुत तेजी से आ रही है, 5 सालों में हमें पॉलिसी को रिन्यू करना है। देन DIPP डिपार्टमेंट है हमारे देश में ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, एंड उसको हमने नोडल कॉन्फ्लिक्ट रिव्यू एजेंसी बना दिया गया है। उसके बाद ट्रेडमार्क ऑफिस को मॉडर्नाइज किया गया है, वैकेंसीज फिल करने की बात है, क्योंकि आप पढ़ते हो फंड्स फंक्शन, फंक्शनरीज में फंक्शनरीज की बात थी, फंक्शनरीज थे ही नहीं, उनको भरने की बात की गई। एंड देन अवेयरनेस क्रिएशन करने की बात है, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल बेनिफिट ऑफ IPR, ताकि जनता जुड़े, जनता IPRs को क्या ऐसे ना माने कि सरकार गलत करती है, किसी को पेटेंट दे देती है, उससे दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं। देन क्रिटिसिज्म भी लिखना जरूरी है पॉलिसी का, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्रिप्स को कंप्लायंस को दी गई है, डोमेस्टिक नीड्स को नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज आके यहां पर हमको धमकाती हैं कि आपने ट्रिप्स को फॉलो नहीं किया। एंड देन कॉपीराइट को DIPP में डाल दिया, लेकिन वो कह रहे कॉपीराइट वगैरह तो बुक्स वगैरह से जुड़ा हुआ है, इसको HRD के अंदर डालते तो HRD बेटर था, इसको बेटर मैनेज कर सकती थी HRD। एंड देन फोकस रूरल यूथ पे ही नहीं या रूरल पोटेंशियल पर, सब कुछ बहुत ही अर्बन पॉलिसी है। एंड उसके बाद कमर्शलाइजेशन अगर हम करने की बात करेंगे, जैसे हमने बोला मार्केटेबल एसेट्स बनाना IPR को, उससे पब्लिक नीड्स जेपरडाइज हो जाती हैं, पब्लिक जो जनता की नीड्स की बात नहीं हो पाती। एंड उसके बाद पब्लिक सेक्टर के जो सरकारी कंपनीज हैं PSUs, उसमें R&D की बात नहीं हुई। एंड देन लास्ट में टैक्स इंसेंटिव दिए गए प्राइवेट सेक्टर को, इवन इफ अगर जनता के लिए कोई भला ना हो, हमने देखा स्टार्टअप्स को कुछ लोन गारंटी वगैरह मिलेंगे, इवन इफ वो जनता का कोई भला ना करते हों तब भी उनको गारंटी मिलेगी, क्योंकि इनोवेशन तो होगी उससे। एंड देन इसमें पनिशमेंट की बात भी है सिटीजन्स को, अगर सिटीजन्स अगर बाई चांस IPR इन्फ्रिंजमेंट कर दें तो। तो दोस्तों ये था अपने पास IPR पॉलिसी, अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा APIs पर। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी, बहुत जल्दी, थैंक यू। एंड मेंस की तैयारी बनाए रखो।